अगर आप लोग अगर मैं बाइक का हैंडल बार अगर देखोगे तो इस वाले बाइक का हैंडल बार जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। उसका रीज़न ये है कि ये वाला हैंडल बार जो है ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार है। जो बजाज V15 में जो ओरिजिनल हैंडल बार आता है वो काइंड ऑफ वो सिल्वरिश फिनिश में होता है। सो ये वाला जो हैंडल बार है ये आफ्टर मार्केट मॉडिफाइड हैंडल बार है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी हैंडल बार के बारे में सब कुछ बात करेंगे कि मैंने इसको कितने का खरीदा, मैंने इसको कैसे लगवाया, सब कुछ आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी देखो जो रीज़न है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब मेरे पास जब बाइक जब एकदम नई नई आई थी उस समय मैंने इसको गिरा दिया था, जिसकी वजह से इस वाले बाइक का जो ओरिजिनल वाला जो हैंडल बार था ना हल्का सा वो टिल्ट हो गया था। और अभी जो रीज़न नंबर टू था ना, रीज़न नंबर टू ये था कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे पास है बजाज V15 है ना, और ये इतनी डेंजरस बाइक है ना, मतलब लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस वाले बाइक में वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ा होता है। सो वाइब्रेशन से टैकल करने के लिए कि वाइब्रेशन मेरे हाथ पे फील ना हो, इस वजह से मैंने अपने बाइक में लगवाया था ये वाला आफ्टर मार्केट वाला हैंडल बार। सो अब ये तो हुआ रीजन कि मैंने इस वाले हैंडल बार को अपने बाइक में मैंने क्यों इंस्टॉल करवाया। अभी हम लोग चलते हैं इसके कॉस्ट पे कि मुझे बेसिकली ये वाला हैंडल बार कितने रुपए का पड़ा। तो अब आप लोग मानो या ना मानो लेकिन मुझे इस वाले हैंडल बार को अपने बाइक में लगवाए हुए बेसिकली 4-5 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने बजाज V15 को खरीदा था बेसिकली 2017 में, और जैसे ही मैंने इसको खरीदा उसके एक महीने के बाद मैंने इस वाले बाइक में जो है वो हैंडल बार मैंने लगवा दिया था। और उस समय मुझे इस वाले हैंडल बार की जो कीमत पड़ी थी वो लगभग मुझे 700 से 1000 रुपए के बीच में पड़ी थी। सो मैंने इस वाले हैंडल बार को खरीदा था बेसिकली लाल बाग से। अगर आप लोगों को नहीं पता है लखनऊ में एक मार्केट है लाल बाग है ना, मैंने वहां से मैंने इस वाले हैंडल बार को खरीदा था, और वहां से मुझे इस वाले हैंडल बार की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 700 से 1000 रुपए के बीच में पड़ी थी। एंड ऑब्वियसली अब ये चीज जो है ये जरूरी नहीं है कि मुझे ये वाला हैंडल बार जितने का पड़ा होगा उतने का ही आप लोगों को भी पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 4-5 साल पहले मैंने इसको लगवाया था है ना, तो पॉसिबली हो सकता है इस समय जो रेट है हैंडल बार का वो हो सकता है बढ़ भी गया हो और कम भी हो गया हो है ना। आप लोग अपने अपने लोकल मार्केट में आप लोग जाके देख सकते हो कि वहां पर आप लोगों को बेसिकली हैंडल बार कितने रुपए का मिल रहा है, लेकिन मुझे बेसिकली ये वाला हैंडल बार जो है ये 700 से 1000 रुपए के बीच में पड़ा था। सो ये तो हो गई कॉस्ट की बात। अभी हम लोग चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे। सो किसी भी बाइक में हैंडल बार को इंस्टॉल कराना जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो हैंडल बार है ये बेसिकली फिट हुआ है यहाँ पर है ना, ये 4 नट बोल्ट पे ये टिका हुआ है। आप लोग किसी भी मैकेनिक के पास आप लोग जाओगे हैंडल बार को इंस्टॉल करवाने के लिए, वो इन 4 नट बोल्ट को खोलेगा, उसको निकालेगा, उसके जगह ये वाला हैंडल बार रिप्लेस करके लगाएगा है ना, और इन 4 नट बोल्ट को बस टाइट कर देगा। सो इतना ज्यादा सिंपल होता है हैंडल बार को बाइक में इंस्टॉल करवाना कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ना आफ्टर मार्केट हैंडल बार को अपने बाइक में इंस्टॉल करवाने के लिए, वो प्रॉब्लम यहाँ से होती है। ये इसमें पूरा बाइक का ओरिजिनल वाला क्लच का ये पूरी असेंबली होती है, और इसको इंस्टॉल कराने के लिए ना एक होल की एक जरूरत होती है, और उस छेद के बिना ये जो चीज है ये बाइक में इंस्टॉल नहीं हो पाती है। सो मार्केट में कोई भी आफ्टर मार्केट हैंडल बार मिलता है उसमें कोई भी उसमें होल नहीं मिलता है ना, कोई भी छेद नहीं मिलता है। तो जो हैंडल बार को इंस्टॉल करवाते वक्त जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें ड्रिल कराना पड़ता है हैंडल बार में, जिससे क्या होता है कि ये जो चीज है आप लोगों का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है बाइक का है ना वो इंस्टॉल होता है, और ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना ये क्लच का लीवर है और ये ब्रेक का लीवर है ना, ये सब चीजें उस होल के ऊपर टिकी रहती है। सो अगर आप लोग अपने बाइक में आफ्टर मार्केट हैंडल बार अगर लगवाने का अगर सोच रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आफ्टर मार्केट हैंडल बार में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ड्रिल कराना पड़ेगा। सो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ब्रेक की प्रॉब्लम। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो इसका फ्रंट ब्रेक है इसका वायर जो है ये फ्रंट के टायर से जाता है, और मेरे इस वाले बाइक में जो है वो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। एंड ऑब्वियसली आप लोग देख सकते होगे कि ये वाला हैंडल बार जो है ना ये थोड़ा सा रेज्ड है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, इस वाले वायर को भी आप लोगों को चेंज करवाना पड़ेगा, जिससे कि ये तार जो है ये खींचे ना, क्योंकि अगर ये अगर वायर अगर खींचता है ना तो खींचने की वजह से ब्रेक में कभी कभी कुछ दिक्कतें आने चालू हो जाती है ना। सो एक प्रॉब्लम है जो कि मतलब आफ्टर मार्केट हैंडल बार को बाइक में इंस्टॉल करवाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वायर है वो खींचे ना। अगर वो वायर अगर खींच रहा है तो उस वायर को आप लोगों को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, उसके जगह कोई लंबा वायर आप लोगों को लगवाना पड़ेगा। सो अब ये तो होगी इंस्टॉलेशन की बात कि मैंने अपने मोटरसाइकिल में आफ्टर मार्केट हैंडल बार मैंने कैसे लगवाया। अभी हम लोग चलते हैं इसकी क्वालिटी पे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो क्यूरियस होंगे कि ऑब्वियसली ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार है तो इसकी क्वालिटी कैसी है।
मैं आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इस वाले हैंडल बार को जब अपने बाइक में जब लगवाया था ना, उस समय मुझे इसकी क्वालिटी के ऊपर डाउट था। मुझे लगा क्या पता अगर गिर वर जाए बाइक तो टूट जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस वाले हैंडल बार को लगवाने के बाद मैंने अपने बाइक को बेसिकली दो बार गिराया है, लेकिन उसके बाद भी इस वाले हैंडल बार में कुछ भी बेंड नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये वाला हैंडल बार टूट रहा है या क्रैक हो गया है ना, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ये वाला हैंडल बार जो है आप लोग सोचो वो 5 साल से एकदम रिजिड है। सो मैं अपने आप को मैं बहुत ज्यादा मैं लकी मानता हूँ कि मुझे आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट में मुझे एक ऐसा मुझे प्रोडक्ट मिला है जिसकी क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल हैंडल बार जैसी है। आप लोग सोचो मैंने इस वाले हैंडल बार को खरीदा था 700 से 1000 रुपए के बीच में, और इस रेंज में बेसिकली मुझे इतनी अच्छी मुझे हैंडल बार की क्वालिटी मिली है जो कि काफी सही है भाई। लेकिन अब ये चीज जरूरी नहीं है कि मेरे इस वाले हैंडल बार की क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब सारे आफ्टर मार्केट हैंडल बार की क्वालिटी अच्छी होती है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आफ्टर मार्केट वाले हैंडल बार जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कभी कभी फ्लिमजी होते हैं, है ना, वो बेंड हो जाते हैं आराम से और उसमें मतलब दिक्कतें उसमें आना चालू हो जाती है। सो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवाने से बेटर है कि आप लोग दुकान पे आप लोग जाओ, वहां पर हैंडल बार को चेक करो, उसकी क्वालिटी देखो, उसके बाद उसको खरीद के अपने बाइक में लगवाओ, क्योंकि सेफ्टी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है बाइक में। सो चलो अब ये तो हो गई क्वालिटी की बात, अभी हम लोग चलते हैं इस वाले हैंडल बार के हैंडलिंग पे कि क्या इस वाले हैंडल बार को लगवाने के बाद मेरे बाइक के हैंडलिंग में कोई चेंज आया है या फिर नहीं आया है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाले हैंडल बार की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची है और ये वाला हैंडल बार थोड़ा सा वाइड है, तो हैंडलिंग में चेंज जो है वो जरूर आया है। अब देखो अब कोई भी हैंडल बार अगर चेंज होता है ना किसी भी बाइक में, स्टार्टिंग में आप लोगों को आफ्टर मार्केट वाला हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को आदत पड़ती जाएगी वैसे वैसे ये वाला हैंडल बार जो है ये कंफर्टेबल लगने लगेगा। क्योंकि सबसे पहली बात ये वाला हैंडल बार जो है इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, सो मेरा जो सेटिंग पोजीशन होता है ना वो एकदम अपराइट होता है, जिसके वजह से मतलब मुझे राइड करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इस वाली बाइक में 400-500 किलोमीटर मैंने एक बार में मैंने किया है, कंटिन्यूसली किया है बिना रुके, तो मुझे तो ये वाला हैंडल बार जो है ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इससे क्या हुआ ना मेरे बाइक की हैंडलिंग जो है वो मेरे लिए बेटर हो गई। अगर आप लोगों के पास अगर बजाज V15 होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इस वाली बाइक में थोड़े से अर्गोनॉमिक के इशू आते हैं, है ना, कि इसका सेटिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये वाला हैंडल बार लगवाने के बाद इस वाले बाइक का जो एर्गोनॉमिक्स है वो थोड़े से बेटर हुए हैं, सेटिंग पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेटर हुई है। ओवरऑल मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये जो हैंडल बार है ये कोई भी डाउनग्रेड नहीं है किसी भी एंगल से, है ना, ये अपग्रेड ही है। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन है ना जो आप लोग जो अक्सर पूछते हो कि क्या आफ्टर मार्केट हैंडल बार को लगवाना जो है वो लीगल है या फिर इलीगल है, इसका जवाब मैं आप लोगों को मैं वन लाइन में दे दे रहा हूँ, इस वाले हैंडल बार को लगवाना 100% लीगल है। बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो लीगल है जब तक वो किसी दूसरे को इफेक्ट ना कर रहा हो। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मुझे बेसिकली मुझे बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे, है ना, हैंडल बार के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आज फाइनली उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाके लिख देना, कोई भी अगर क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस चीज के ऊपर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, सो नीचे जाके लिख देना। चलो गाइस आज के लिए बस इतना, आज के इस ब्लॉग को करता हूं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। सो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल, बाय बाय। और देख लो भाई पानी कितना गंदा हो गया यहाँ का, है ना, एकदम वाहियात पानी हो गया गोमती रिवर का। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल।